दोस्तों, बिग बॉस के घर से एक और ऐसा क्लिप हम लेके आ चुके हैं जो कि आपने टीवी पे नहीं देखा होगा। दोस्तों, यहाँ पे बातें चल रही हैं कि आखिरकार बिग बॉस के घर से निकलने के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे बैठी थी आरती और पारस, उनके साथ ही साथ माहिरा और जो शेफाली बग्गा है वो सोफे पे बैठी थी। उसके बाद माहिरा कहती हैं कि मैं बिग बॉस के घर के बाहर निकलूंगी तो उसके बाद मैं पारस को सीधे बाय बाय बोलूंगी और उसके साथ फिर कभी कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहूंगी, ऐसा वो मजाक में बोलती हैं। इसके बाद पारस कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं तो तुझे बाय तक भी नहीं बोलूँगा, तू तो मुझे बाय भी बोलेगी, मैं तो तुझे बाय भी नहीं बोलूँगा। उसके बाद तो अपनी ज़िंदगी सेट है, पारस बोलते हैं। फिर इसके बाद इवेंट्स, इसके बाद शोज़, ये सारी चीज़ें, मैं बिज़ी हो जाऊँगा और मैं किसी को बाय भी नहीं बोलूँगा और ना ही किसी से कभी मिलूँगा। उसके बाद माहिरा बोलती हैं कि क्या बात कर रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे लिए फ्रेंड्स ही सबसे आगे हैं। फिर पारस कहते हुए नज़र आते हैं, मेरे लिए काम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसके बाद तुम सभी आते हो। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसी बीच माहिरा एक डायलॉग मारती हुई नज़र आती हैं और कहती हैं कि देख, तूने बहुत सारे शोज़ कर लिए, रावण का कर लिया, फिर तूने माइथोलॉजिकल भी सीरियल्स किए हैं, उसके बाद तेरी 2-3 गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं और बिग बॉस का शो भी कर लिया, सबसे बड़ा जो कि रियलिटी शो है, और बिग बॉस के शो में तेरे को इतनी अच्छी लड़की ने भाव भी दे दिया, अब तू जीवन में क्या बचा है तेरे, तू अपने आप को चाकू मार के मर क्यों नहीं जाता, अब तेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर उसके बाद पारस कहते हैं कि मरूंगा मरूंगा, टेंशन मत ले, लेकिन बिग बॉस की ट्रॉफी लेके मरूंगा। तो ऐसे ही कुछ मस्ती मजाक होते रहता है घर में जो कि हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कि कौन जीतने वाला है बिग बॉस, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।